वन पीस चैप्टर 875 के कवर पेज पे देख सकते हो बार्टोलोमियो सेंक्स के जॉली रोजर को बर्न कर रहा है, जिसकी कॉन्सिक्वेंस बार्टोलोमियो को अच्छे से पता हो जानी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि रेड हेयर पैरेट, मैं यहाँ सेंक्स की नहीं पूरी क्रू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जॉली रोजर को बर्न करके वो पूरी क्रू को मॉक किया, अब उनकी क्या रिएक्शन होगी? बार्टोलोमियो इससे पहले मुझे फनी कैरेक्टर लगता था, पर वो है तो एक पायरेट सी ना। गाइस मैं बता दूं, वन पीस में कैप्टन अपने शिप और फ्लैग के लिए अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाई करने के लिए रेडी रहते हैं, जैसे लूफी और उसके क्रू को मैरी के लिए था, व्हाइट बियर्ड को मोबी डिक के लिए था, फ्लैग का भी कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट रोल है। रिमेंबर रम आइलैंड में लूफी उतने इंजर्ड होने के बाद भी चॉपर के फ्लैग को नीचे नहीं गिरने दिया, और बार्टोलोमियो तो रेड हेयर पायरेट्स की फ्लैग को बर्न कर दिया, वो भी सबके सामने। फ्लैग बर्न करना किसी पायरेट की बेसिकली ये मीनिंग होता है, वो पायरेट्स पर वार डिक्लेयर करना, जैसे एनिस लॉबिस में उसो अपने वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग बर्न करके किया था। बात करते हैं लूफी की क्या रिएक्शन होगी, तो वो डिसअपॉइंट जरूर होगा बार्टोलोमियो पर, क्योंकि वो भी कभी सेंक्स का बहुत रिस्पेक्ट करता था, कभी सेंक्स के क्रू में वो आना चाहता था। मैंने पायरेट्स की फ्लैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो कलेक्ट की है, जिससे हमें सेंक्स कैरेक्टर के बारे में और जानने को मिलेगा। ब्लैक फ्लैग स्कल से रिप्रेजेंट करता है, वो गवर्नमेंट को लॉ के रिस्पेक्ट नहीं करते, वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगेगा। फ्लैग में सिर्फ ब्लैक कलर होने का मतलब है वो पीपल पर मर्सी कर सकते हैं, लूट के समय हो सकता है वो थोड़े से लूट छोड़ दें, यानी वो उतने रूथलेस नहीं होते। लेकिन अगर फ्लैग में ब्लैक के साथ रेड कलर भी है, चाहे वो डिज़ाइन के फॉर्म में भी हो, तो वो पायरेट्स बहुत रूथलेस होते हैं, वो कोई मर्सी नहीं करते हैं, किसी भी शिप को लूटते हैं और वहाँ के सारे पीपल को मार देते हैं। बैक टू पॉइंट, अगर आप सेंक्स के जॉली रोजर देखोगे तो उसमें भी रेड कलर है। मांगा में हमें बहुत बार हिंट्स मिला है कि सेंक्स के पायरेट्स बहुत रूथलेस हैं। बार्टोलोमियो को सेंक्स की फ्लैग बर्न करते देख उनकी क्रू की क्या रिएक्शन होगी? सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर आप सोच रहे हो सेंक्स उसे जोक जैसा लेगा और बार्टोलोमियो को छोड़ देगा, तो आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो। इस पॉइंट पे सेंक्स अपने ऊपर कोई भी इंसल्ट ले लेता है, पर वो हमेशा से ये क्लियर करते आया है, कोई भी उसकी फैमिली या फ्रेंड को हार्म करने की कोशिश करेगा तो सेंक्स उसे फॉरगिव नहीं करेगा। मे बी बार्टोलोमियो को भी किड जैसी अपनी एक आर्म लूज करनी पड़ी, या उससे भी वर्स्ट मांगा ऑथर पर्सनली ये थिंक करते हैं फ्लैग बर्न करना योंगो की एक बड़ी वार डिक्लेयर करने की इक्वल है। आप बार्टोलोमियो के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।